हाँ पूरा तरह की तैयारी है, बस लंका बन रहा है, लंका बन जाने के बाद पूरा कम्प्लीट है। प्रॉपर काम यहाँ, ये कहाँ से सीखे आप लोग? बिहार से ही सीखे आप, कहीं बाहर से सीखे? नहीं, ये सब तो अपना ही सब लोग जो है बचपन ही से, सब दादा परदादा बाप के टाइम से ही सब काम चल रहा है। हाँ पूरी कंप्लीट हो गई, सिर्फ लंका बाकी है। किसका किसका प्रतिमा बनता है? ये रावण है, मेघनाथ, कुंभकर्ण। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, तीनों का साइज क्या है? रावण का 70 फीट है, मेघनाथ का 65 और एक का 55। नमस्कार, NBC 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक। मेरी मौजूदगी अभी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है, जहाँ पर रावण बनाया जा रहा है। बता दें आपको कि हर साल की तरह इस साल भी जो है रावण दहन को लेकर पूरे तरीके से तैयारी कर ली गई है। बता दें आपको कि 2 साल से जो है रावण दहन नहीं हो रहा था, जिसको लेकर तैयारी जो है वो करी जा रही है। बता दें आपको कि 2 साल के बाद जो है पूरे बिहार में रावण दहन होगा। बता दें आपको कि पटना में रावण की प्रतिमा बनती है और जिसके बाद रावण वध किया जाता है। मेरी मौजूदगी अभी पटना के गांधी मैदान में, तस्वीर एक बार दिखा देना चाहेंगे, रावण को बनाया जा रहा है। बता दें आपको कि कोरोना जब था, जिसको लेकर जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए लोग जो है नहीं निकल पा रहे थे, और इस बार जो है करीब 2 साल बाद जो है लोग निकलेंगे और कहीं ना कहीं रावण वध देख पाएंगे। देखिए रावण वध जो है हर साल होता है, दुर्गा पूजा जब होता है उसके बाद दशमी के दिन जो है रावण वध होता है, और पटना के गांधी मैदान में हर साल होता था, 2 साल से नहीं हो रहा था। और इस बार जो 2022 है, इस बार रावण वध होगा, क्योंकि जो कोरोना है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है और मरीज कम आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारी जो है पूरे तरीके से कर ली गई है। जिला प्रशासन जो है पटना की, वो पूरे तरीके से तैयारी कर ली गई है। तस्वीर दिखा देना चाहेंगे, देख सकते हैं रावण की प्रतिमा है, वहीं तस्वीर आपके सामने है पटना के गांधी मैदान में, किस तरीके से तमाम जो कलाकार है बिहार के अनेक जिलों से आए हैं, तमाम बिहार के कलाकार हैं, और तमाम कलाकार जो है वो लगे हुए हैं जिस तरीके से रावण वध होगा उसको लेकर पूरे तैयारी कर रहे हैं तमाम कलाकार। कलाकार जो है उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी है और किसका किसका प्रतिमा बन रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अफसर सर। अफसर, कहाँ से आए हैं? मेरा घर हुआ गया। गया से आए हैं। किसका किसका प्रतिमा बन रहा है? ये रावण है, रावण का साइज 70 फीट, कुंभकर्ण 65, मेघनाथ 60। तीन लोगों की प्रतिमा बन रही है जी, रावण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और एक लंका, एक चार राक्षस बन रहा, वो भी बन रहा, उसका तैयारी चल रहा है। चार राक्षस बन रहा जी। 5 तारीख को हाँ रावण वध होगा। कितने कलाकार हैं आप लोग और कब से लगे हुए हैं? हम लोग यहाँ पे 25 दिन हो गए, हम लोग का 25 दिन हो गया। 12 लोग थे तो काम मतलब ख़त्म हो गया है, तो बहुत सारे लोग को छोड़ दिया गया है। 3 तारीख को आवेंगे खड़ा करने के लिए। क्या क्या मटेरियल लगा है, इतनी अच्छी कलाकारी आपने की है, और कहाँ से ये सीखे ये बताइए? ये तो सर अपने हमारे फादर करते थे काम, तो उन्हीं से हम सीखा है। और इसमें जो बांस का फ्रेम हुआ है, बांस गिरा है, बांस को फाड़े हैं, कमाचे निकाल करके मोड़ी को बांधे हैं, फिर इसको कागज़ से मढ़ा गया, फिर कपड़े का अस्तर दिया गया, फिर उसको कागज़ से डबलाया गया, उसके बाद फिर एशियन का पेंट मार करके इसको काम को पूरा किया गया। क्या नाम अपना? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अफसर। मोहम्मद अफसर थे, गया से आते हैं, उन्होंने पूरे तरीके से कलाकारी की। तस्वीर देखिए किस तरीके से, कितना फीट का प्रतिमा है, 70 फीट का ये प्रतिमा है, उन्होंने बताया है। जो रावण है उनका प्रतिमा है और तमाम लोगों का प्रतिमा है, कुंभकर्ण का भी प्रतिमा है, और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और भी कलाकार हैं जो बिहार के अनेक ज़िले से आए हैं और यहाँ पर जो रावण दहन होने वाला है पटना के गांधी मैदान में, उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं, प्रतिमा बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुल्फकार है। कहाँ से आए हैं जुल्फकार? अरवल जिला। अरवल जिला से आए हैं। पूरे तरीके से तैयारी कर ली आप लोगों? हाँ पूरा तरह की तैयारी है, बस लंका बन रहा है, लंका बन जाने के बाद पूरा कंप्लीट है। प्रॉपर काम यहाँ, ये कहाँ से सीखे आप लोग? बिहार से ही सीखे या फिर कहीं बाहर से सीखे? नहीं, ये सब तो अपना ही सब लोग जो है बचपन ही से, सब दादा परदादा बाप के टाइम से ही सब काम चल रहा है, उसी टाइम से। हाँ हाँ चलिए, और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए भैया? गया से है। गया से आए हैं, क्या नाम है? MD आजाद अहमद। आजाद अहमद, क्या कुछ कहिएगा, तैयारी पूरी तरीके से हो गई है क्या? हाँ पूरी कंप्लीट हो गई, सिर्फ लंका बाकी है। किसका किसका प्रतिमा बन रहा है? ये रावण है, मेघनाथ, कुंभकर्ण। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, तीनों का साइज क्या है? रावण का 70 फीट है,
और मैक डॉट का 65 और एक का 55। 70, 65, 55 सॉरी 60 है। अच्छा 70, 65, 60। हमेशा धर्म को लेकर बात होती है, कहीं ना कहीं आपका ये पर्व नहीं है लेकिन तब भी आप लोग इसमें काम कर रहे हैं। भैया कहना ऐसा है कि हम लोग का ये कला है, इसमें जो है कि कला है हम लोग काम करता है, ये नहीं है कि हम मुस्लिम है कि जो है कि हम नहीं काम करेंगे। पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, बहुत लोग सांप्रदायिक दंगा फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिंदुओं का पर्व है और इसमें मुसलमान समाज के लोग जो हैं वो कलाकारी कर रहे हैं। तमाम कलाकार जो हैं बिहार के आते हैं और बिहार से आकर जो है ये कला सीखिए। रावण का जो प्रतिमा है वो बन रहा है, 5 तारीख को जो है रावण वध होने वाला है, जिसको लेकर तैयारी हो रही है। बता दें आपको कि मेघनाथ कुंभकर्ण और जो रावण है उसका प्रतिमा बन रहा है, 70 फीट, 65 फीट और 60 फीट की प्रतिमा है, और लंका भी ये बन रहा है, लंका की ये तस्वीर है, लंका का ये प्रतिमा है, और जहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। तमाम ये लोग जो हैं बिहार से आते हैं और बिहार के कलाकार। फिलहाल क्या कुछ कहा है इन लोगों ने, आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।